हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम न्यू टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके उपयोग से पुरुषों में यौन संबंध को बनाए रखने की इच्छा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या न्यू टैबलेट के फायदे हैं और किस तरीके से न्यू टैबलेट को लेना होता है और लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। न्यू टैबलेट के बारे में बात कर तो चरक फार्मा पीवीटी एलटीडी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और 135 रुपए में हमें 75 टैबलेट्स एक डब्बे में मिल जाती है। अब सबसे पहले हम न्यू टैबलेट के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस टैबलेट का उपयोग पुरुषों में तनाव के स्तर को कम करने और तंत्रिकाओं को शांत करने में मदद मिलती है। और बात कर तो इस टैबलेट के उपयोग से डिप्रेशन को कम करने में भी मदद मिलती है। और बात कर तो इस टैबलेट का यूज पुरुषों में काम इच्छा को बढ़ाने के लिए भी यूज में लिया जाता है। यह टैबलेट नर्व को शांत करने और तनाव को दूर करने में भी मदद करती है। और बात कर तो इस टैबलेट का यूज पुरुषों में घबराहट और चिंता को कम करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग पुरुषों में चिड़चिड़ेपन को कम करने और यौन संबंध बनाने की इच्छा को बनाए रखने में मदद मिलती है। और बात कर तो न्यू टैबलेट का उपयोग पेनिस की सेंसिटिविटी को कम करने और इसे अपनी शक्ति देने के लिए पेनिस की नसों को शांत करने और आराम देने में मदद करती है। और बात कर तो इस टैबलेट का उपयोग पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या को दूर करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात कर तो इस टैबलेट का उपयोग मूत्राशय पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी यूज में लिया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं तो उनमें भी इस टैबलेट का यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे न्यू टैबलेट के कुछ फायदे। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का यूज किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए यूज में ले। अब फायदे जानने के बाद हम न्यू टैबलेट की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस टैबलेट को दूध शहद और पानी के साथ दिन में 3 बार लिया जाता है। बड़ों में बात कर तो इस टैबलेट की 1 से 2 गोलियां दिन में 3 बार दी जाती है और 6 से 8 सप्ताह तक दी जाती है। वहीं बच्चों में बात कर तो इस टैबलेट की 1 गोली दिन में 3 बार दी जाती है और 4 से 6 सप्ताह तक देने की सलाह दी जाती है। अब डोज जानने के बाद हम न्यू टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इसके सेवन से आपको मतली, उल्टी, चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना हो सकती है। यह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी न्यू टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।